तो अब पहले स्टाइल में क्या कर लेते हैं, इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं, नया स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर देते हैं, यहाँ पे नेम दे देते हैं एक नए स्टाइल को, एंड यहाँ पे क्रिएट कर देते स्टाइल। एंड गाइस में क्या है कि जो हमारे डिटेल लेबल है उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पे डिटेल लेबल, ओके यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, डिटेल लेबल दे दिया है सिंपल। एंड सिंपल गाइस इसे क्या कर देते हैं, यहाँ पे बंद कर देते हैं। एंड यहाँ पे क्या कर देते हैं, सारी अपनी जितने भी हमारी वो थी इसकी सिंपल, हमारी अगर आप देखोगे कुछ फाइल्स बिल्कुल सेम है, जैसे विड्थ एंड हाइट है, राइट। हमारी रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट ही है, सब में सेम यूज हो रही है। तो क्या कर देते हैं यहाँ पे सिंपल, क्या कर देते हैं यहाँ पे दे देते हैं स्टाइल में ऐड कर देते हैं, ताकि मुझे बार बार ये लिखना पड़े, राइट। तो यहाँ पे आ गई गाइस मेरी विड्थ। एंड गाइस वर्थ क्योंकि ऐसे नहीं आएगी, पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें आइटम अटैच करना पड़ेगा। एंड फिर यहाँ पे क्या दे देंगे हम, वर्थ दे देंगे। तो यहाँ पे आ गई हमारी लेआउट वर्थ। लेआउट वर्थ में क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे रैप कंटेंट आ जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे एक आइटम और ऐड कर देते हैं, ये इसमें क्या दे देते हैं, अपनी हाइट दे देते हैं। तो लेआउट हाइट आ गई। एंड लेआउट हाइट में भी क्या करना है मुझे, रैप कंटेंट करना है। तो ये क्या आ गया, रैप कंटेंट आ गया। एंड गाइस ऐसा करते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, पेरेंट दे देते हैं, ताकि हम इसमें भी इनहेरिटेंस कर सकें। एंड यहाँ पे गाइस सिंपल जो हमारी ऑलरेडी स्टाइल क्रिएटेड है, राइट, हमारे किसका, ऐप कॉम्पैक्ट का, ऐप कॉम्पैक्ट एक्शन बार, सॉरी ऐप कॉम्पैक्ट। और इसमें क्या देते हैं गाइस, ऐसा करते हैं हेडलाइन दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हेडलाइन आ गया। तो यहाँ पे हेडलाइन वाला हमने क्या कर दिया, सिंपल जो स्टाइल था हमारा जो ऑलरेडी क्या है, प्री मेड है, जो हमें लाइब्रेरीज में मिलता है, राइट, वो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो देखते हैं गाइस जी कैसा लगता है, अगर यहाँ पे ये सही नहीं लगता तो हम इसे अभी चेंज कर लेंगे। बट फिलहाल एक एक करके स्टाइल इम्प्लीमेंट करने से अच्छा ये ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि ये सारे हमारे क्या हैं, डिटेल लेबल हैं। तो लेबल में गाइस मुझे ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, राइट। फिर गाइस यहाँ पे क्या दे देते हैं, अपना टेक्स्ट कलर दे देते हैं सिंपल। तो यहाँ पे आ गया हमारा टेक्स्ट कलर, इसकी वैल्यू दे देते हैं। एंड सिंपल इसकी वैल्यू दे देते हैं गाइस कलर एसेंट, डिटेल एक्सेंट लेबल, ओके। एंड इसके बाद गाइस क्या दे देते हैं, अपनी फॉन्ट फैमिली और दे देते हैं। एंड यहाँ पे आइटम क्रिएट कर दिया, फॉन्ट फैमिली आ गई। एंड फॉन्ट फैमिली में सिंपल सेंस सेरिफ दे देते हैं। अब गाइस ये तो किसके लिए हो गया, हमारी लेबल के लिए हो गया, राइट। अब लेबल के बाद गाइस यहाँ पे क्या है, जो हमारी इसकी वैल्यूज हैं, राइट, ये वाली जितने मेजरमेंट हैं विंड की, तो इसके लिए भी क्या दे देते हैं, एक स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं, ओके। एक साथ फिर अपनी किस में, लेआउट फाइल में जाके गाइस चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे एक स्टाइल और क्रिएट कर लेते हैं, एंड इसका नाम रख देते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि कौन से एक्स्ट्रा वेदर किए हैं गाइस, एक्स्ट्रा वेदर मेजरमेंट, ओके। एंड इसमें भी गाइस सेम ही चीज़ रख लेते हैं, आइटम पहले क्या ले लेते हैं, विड्थ ले लेते हैं इसकी। एंड लेआउट विड्थ क्या ले लेते हैं गाइस, रैप कंटेंट ले लेते हैं। एंड फिर क्या क्रिएट कर लेते हैं, अपनी हाइट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आ गए हमारे लेआउट हाइट, इसको भी क्या दे देंगे गाइस, रैप कंटेंट दे देंगे। एंड इसके बाद क्या दे देंगे, यहाँ पे टेक्स्ट कलर ले लेते हैं, बेटर रहेगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर आ गया हमारा सिंपल। एंड इसे क्या दे देते हैं गाइस, वाइट दे देते हैं, ओके। तो यहाँ पे सिंपल एंड्रॉइड, एंड कलर क्या दे देते हैं गाइस, वाइट दे देते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा कलर वाइट आ गया है। एंड इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एंड यहाँ पे गाइस स्टाइल और दे देते हैं इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टाइलिंग नहीं करी है। तो यहाँ पे पेरेंट, एंड यहाँ पे कौन सा वाला स्टाइल दे देते हैं गाइस, सेम जो अभी हमने यहाँ पे हेडलाइन यूज करा है ना, सेम दे देते हैं। इससे क्या रहेगा, हमारी यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। अब सिंपल गाइस ये वाले स्टाइल का काम हो चुका है, इसलिए अब इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बंद कर लेते हैं। जो हमारी एक्स्ट्रा वेदर डिटेल है इसमें आ जाते हैं अब। एंड इसमें क्या करना है, जो हमने स्टाइल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करे हैं गाइस, वो क्या करना है, यहाँ पे यूज करने हैं। अब गाइस जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारी विड्थ हाइट ये सब की अब मुझे जरूरत नहीं है, तो ये क्या कर दूंगा, मैं सिंपल डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पे सिंपल गाइस क्या ऐड कर देंगे हम, यहाँ पे जो हमारा डिटेल का लेबल था, राइट, स्टाइल वाला। तो यहाँ पे सिंपल स्टाइल दे दिया हमने। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पे सिंपल स्टाइल में हमें क्या चाहिए, जो हमारा डिटेल लेबल था, ओके, हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था, वो चाहिए था। अब इसके बाद ह्यूमिडिटी पे आ जाते हैं। ह्यूमिडिटी में गाइस ये सब मुझे नहीं चाहिए। एंड सिंपल क्या कर लेंगे, स्टाइल दे देंगे। एंड स्टाइल में गाइस सिंपल मुझे क्या चाहिए, जो हमने एक्स्ट्रा वेदर डिटेल क्रिएट करा था। तो यहाँ पे आ गया हमारा एक्स्ट्रा वेदर मेजरमेंट आ गया।
अब किस पे आ जाते हैं, अपने प्रेशर लेवल पे आ जाते हैं। फिर से गाइस यहाँ पे हमारा क्या 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 रिमूव होना है, रैप कंटेंट रिमूव होना है एंड फॉन्ट फैमिली रिमूव होनी है एंड यहाँ पे गाइस हमारा टेक्स्ट कलर भी क्या हो रहा है, रिमूव होना है। तो इसे भी क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे सिंपल क्या इम्प्लीमेंट कर देंगे, जो हमारा स्टाइल है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जो कौन सा है हमारा डिटेल लेबल वाला। ओके तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा डिटेल लेबल आ गया है। अब क्या हुई, दोबारा से मेरी वैल्यू आ गई है जो हमारी इसकी वैल्यू थी। तो यहाँ पे सिंपल कौन सा स्टाइल दे देंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा स्टाइल है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मेजरमेंट विड्थ मेजरमेंट आ गया। फिर किस पे आ जाते हैं गाइस, विंड लेबल पे आ गए हैं। विंड लेबल पे मुझे विड्थ एंड हाइट यहाँ पे नहीं देनी, राइट, रिमूव करनी है एंड फॉन्ट फैमिली नहीं चाहिए गाइस। एंड सिंपल यहाँ पे क्या ऐड करना है, मुझे स्टाइल ऐड करना है, तो स्टाइल ऐड कर देते हैं। एंड यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे डिटेल लेबल चाहिए, तो ये आ गया है। इसके बाद आखिरी कौन सा बचा है, हमारा विंड मेजरमेंट बचा है, तो इस पे भी वर्क कर लेते हैं विंग मेजरमेंट पे। एंड सिंपल इसे भी रिमूव कर देते हैं गाइज। एंड यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट कर देते हैं, स्टाइल ऐड कर देते हैं सिंपल, यहाँ पर एक्स्ट्रा वेदर विंड मेजरमेंट, राइट। तो ये क्या हो चुका है गाइज, हमारा क्रिएट हो चुकी है, स्टाइलिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब क्या करवा देख के देख लेते हैं, एक बार इसे रन करवा के देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ये अब कैसा लग रहा है। सो गाइज यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा एमुलेटर रन हो चुका है। एंड अब क्या देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे इस पे क्लिक कर लेते हैं डिटेल पे। एंड आप देख सकते हो गाइज, अब थोड़ा सा यहाँ पे और बेटर लग रहा है। तो ये क्या हो चुका है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, सही से अरेंज है। तो यहाँ पे कुछ क्या नहीं है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। कौन सा स्टाइल एंड थीम ऐड करने का पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एंड अब किस पे चलते हैं गाइज, अब चलते हैं अपने सिलेक्टर्स पे। ओके एंड यहाँ तक का जो पार्ट है गाइज, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें क्या चेंजेस करें हमने स्टाइल्स में एंड थीम में चेंजेस करें। तो आपको कोड किस में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके आराम से देख सकते हो गाइज। सो गाइज अब किस पे स्टार्ट कर लेते हैं, अपने टच सिलेक्टर्स पे वर्क कर लेते हैं कि मुझे किस पे वर्क करना है, कि जब हम टच करें तो उस पर जो सिलेक्टर्स हम ऑलरेडी विजुअल पॉलिश में अपने ऐप में टच सिलेक्टर्स इंप्लीमेंट कर चुके थे, वही अब किस में इंप्लीमेंट करने का गाइज, हमें अपने सनशाइन में इंप्लीमेंट करनी है। ओके तो गाइज यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास, दो तरीके के मुझे क्या चाहिए, टच सिलेक्टर्स चाहिए। क्यों, एक तो जो मेरा टुडे वेदर है वो, और एक जो डिटेल लेआउट है उस पर, राइट। तो यहाँ पे दो तरीके के हमारे क्या बनेंगे, सिलेक्टर्स बनेंगे। तो उस पर दोनों पे वर्क कर देते हैं। एंड गाइज ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि हमारे टच सिलेक्टर्स की तीन स्टेट होती हैं, एक्टिव स्टेट, सिलेक्ट स्टेट, राइट। तो होपफुली गाइज अब वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे दोबारा से, उस पर बेसिक्स पे नहीं जाएंगे। अब सिंपल क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइज मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि जो हमारे टच सिलेक्टर्स हैं वो क्या है, हमारी एक ड्रॉएबल वो है, हमारा एक ड्रॉएबल रिसोर्स है। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे, एक क्या ऐड कर लेंगे, यहाँ पे एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल ऐड कर लेंगे, किस पे, रिसोर्स डायरेक्टरी पे जाके। एंड सिंपली जो इसमें हमारा रिसोर्स टाइप है, ये किस टाइप का होने वाला है गाइस, ड्रॉएबल टाइप का होने वाला है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या आ चुका है, सिलेक्टर आ चुका है। एंड इसका नाम क्या दे देंगे, क्योंकि ये क्या होने वाला है, हमारा टच सिलेक्टर होने वाला है, तो इसका नाम सिंपल दे देंगे हम टच सिलेक्टर। तो गाइस यहाँ पे आ गया हमारा टच सिलेक्टर, और कोई हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टरी का नाम क्या है, ड्रॉएबल में ही है, रिसोर्स टाइप सब कुछ यहाँ पे सही है, और हमें कोई क्वालिफायर्स ऐड करने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके तो टच सिलेक्टर हमारा यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं गाइस। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, मेरा टच सिलेक्टर क्रिएट हो गया। अब ये किसके लिए है, टच सिलेक्टर खाली ऑल ओवर टच के लिए है। एक क्या करना है गाइज, एक और क्रिएट करना है हमें, वो किसके लिए करना है, कि जो टुडे के लिए होगा, राइट। तो वो भी क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या हमें कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ेगा गाइज। तो यहाँ पे एक और एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल ऐड कर देते हैं, वैल्यू क्या देते हैं, ड्रॉएबल, एंड इसका सिंपल नाम दे देते हैं क्या, टुडे, क्योंकि किसके लिए, टुडे के लिए है सिलेक्टर। तो यहाँ पे आ गया हमारा टच सिलेक्टर, टुडे टच सिलेक्टर। एंड यहाँ पे गाइज ड्रॉएबल में है, सिलेक्टर है, सब कुछ सही है। सिंपल इसे भी क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो सिलेक्टर्स क्रिएट हो गए। तो यहाँ पे एक है टच सिलेक्टर, एक है टुडे टच सिलेक्टर। और मुझे इम्प्लीमेंट किस किस में करने का, ये टच सिलेक्टर हमने क्रिएट करे हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी फोरकास्ट लिस्ट आइटम की क्या है, यहाँ पे फाइल क्रिएट है हमारी, सिंपल इसी में इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये एक तो हो गई गाइज हमारी ये वाली फाइल, ओके, इसमें चाहिए मुझे। एंड दूसरी कौन सी चाहिए गाइज, जो कौन सी वाली है हमारी, लिस्ट आइटम टुडे वाली है, तो टुडे वाली भी चाहिए। तो पहले टुडे वाली, तो ऐसा कर लेते हैं गाइज, पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले टच सिलेक्टर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे अपनी फोरकास्ट लिस्ट में, फिर जो हमारा टुडे टच सिलेक्टर है उसे बना लेंगे, एंड फिर उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे किस में, अपने लिस्ट आइटम किस, कौन से वाले में, टुडे वाले में, राइट।